अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ईद का तीसरा दिन है और आज मैं आया हूँ शेप करवाने, मतलब सेट करवाने आया हूँ, पूरा शेप करवाने, हल्की फुल्की ट्रिम और शेप, क्योंकि बाल हल्के फुल्के मतलब साइड साइड से बढ़ गए थे तो वो सही करवाने आया हूँ। वो दाढ़ी पूरा नहीं निकालूंगा, सिर्फ चेहरा बना रहा हूँ। ओके, और मैं यहाँ ये देख लो, मैं एकदम सस्ते वाले सैलून में आया हूँ और अच्छे सैलून में आया हूँ। आप बोलेंगे कि एसी वाले में जाओ और इसमें जाओ, तो ये कुछ नहीं भाई, मैं तकरीबन 4 से 5 साल हो गए, नहीं 6-7 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इनके पास मैं अपना बाल वाल और ये दाढ़ी जो भी है सब करवाता हूँ 6 साल से। बट लड़के चेंज होते रहते तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अभी ये पुराना आदमी मिला है तो मेरे को तकलीफ़ नहीं हो रही है। ओके, और एकदम सस्ते में, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम शोरूम बड़े वाले सैलून में गया हूँ, वहाँ पे बहुत पैसा लग रहा है, आपको दिखाता हूँ, उसका एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ कि कितना मज़ा आ रहा है, जरा भी तकलीफ नहीं हो रही है, बोलना भी नहीं पड़ रहा है कि ये करो वो करो यहाँ से करो वहाँ से करो, सारा चीज़ वो खुद कर दे रहे हैं। ओके, तो चलो ये कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ। भाई शेव हो चुका है और काफ़ी अच्छा है, जबरा कुछ एहसास भी नहीं हुआ। वो एक्चुअली सर में ना 2 दिन से बहुत दर्द था हल्का फुल्का, आज नॉर्मल लग रहा है, बट फिर भी मैं बोला आया हूँ तो एक बार है ना हेड मसाज करवा लेता हूँ, ये भी फ्री है मैं भी फ्री हूँ तो एकदम थोड़ा हेड मसाज करवा लेता हूँ, फिर मौका मिले नहीं मिले। हाँ, नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, ये हमारा नवरत्न है और ये हमारी चंपी चालू है। फ्रेंड्स, ये हमारा शेप भी हो गया, ट्रिम भी हो गया मस्त, और हेड मसाज भी हो गया। आप सोच सकते हो कि कितना पैसा हुआ होगा, बोलो। इसके लिए बोला था कि एकदम चार्जेस कम है और बेस्ट है, सिर्फ 80 रुपीस में शेप भी है और हेड मसाज भी है, और वो भी नवरत्न तेल से मशीन के साथ में, एक नंबर। ओके, तो सिर्फ 80 रुपीस है, तो इनको मैं पैसा दे देता हूँ, ये लो भाई। ओके, तो ये हमने इनको पैसा दे दिया है, ओनली 80 रुपीस, हेड मसाज भी और शेप भी है, इससे सस्ता और कहाँ मिलेंगे। अब चलो घर पे जाते हैं। फ्रेंड्स, बाज़ार से आने के बाद में, मतलब आज का दिन इतना सुकून था कि बाज़ार से आने के बाद में कोई काम नहीं था, खाना खाने के बाद एकदम फ़ौरन सो गया, और सो गया तो बहुत लंबी सो गया, जस्ट कुछ देर हुआ है, आधा घंटा हुआ है, अभी मैं नहा के फ्रेश होके और व्लॉग बनाने के लिए आ गया हूँ। इतना सुकून लग रहा है, 2 दिन एकदम परेशान था, जैसे संडे को ईद था और मंडे को दूसरी ईद, यार ये मैसेज बहुत आते हैं यार, तो दूसरी ईद, मंडे को दूसरी ईद और तीसरी, आज तीसरा ईद था, मगर आज के दिन कोई काम नहीं था क्योंकि कुर्बानी थी नहीं, जो था पहले दिन हो गया था, तो लोगों को बांटना था वो पहले दिन कर दिए, दूसरे दिन में जो हमारा इन्वर्टर ख़राब हो गया उसके चक्कर में बहुत बाज़ार के चक्कर काटने पड़े क्योंकि रिपेयर नहीं हो पा रहा था, बट एट द एंड शाम में रिपेयर हो गया। और आज के दिन तो इतना सुकून लग रहा है, इतना सुकून लग रहा है कि पूछो मत। बाज़ार में गया, बाज़ार से आने के बाद मैं सो ही गया, खाना खाने के बाद एकदम कंप्लीट रेस्ट, और किसी कोई उठाया भी नहीं मुझे, जस्ट आधा पौना घंटा हुआ है, उठ के नहाया हूँ और नहा के व्लॉग बनाने के लिए आ गया। शाम हो गई है, तकरीबन मगरिब हो गई है, और ये देखिए मंज़र, कैमरा मेरा इतना कोई क्लियर नहीं है, बट मंज़र देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स, शाम का वक्त है और ये देखो पूरा आसमान एक साइड से रेड हो चुका है, सूरज ढल रहा है,
अब वो कहाँ निकल रहा है पता नहीं यार, अमेरिका में निकल रहा है कि लंदन में निकल रहा है, बट हमारे यहाँ से सूरज छुप चुका है और पूरा शांत हो गया है। अब चिड़ियों का वक्त है वो चहचहाने का और अपने घर लौट आने का। देखो आवाज़ भी आ रही होगी आपको, देखिए आज तीसरा दिन है तो आज फिर से कुछ कबाब शबाब खाया जाएगा, क्योंकि पहले दिन भी हम लोगों ने बारबेक्यू किया था और अंधेरा था क्योंकि लाइट नहीं थी ना, लाइट नहीं होने की वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर पाया और इंडिया इंग्लैंड का 2020 मैच चल रहा था तो वो देखा हमने मैच के साथ में, बारबेक्यू भी इंजॉय किया। आज भी कुछ ऐसा प्लान है, कोशिश करूँगा कि आज उसका भी शूट करूँ। फ्रेंड्स एक चीज़ की दुआ करने के लिए कहूँगा आप लोगों को कि हमारे इलाके में बारिश नहीं हो रही है और ये बारिश का महीना है, अभी बारिश नहीं होगी ना तो ये ज़मीनें देख रहे हो ये बंजर हो गई है, मतलब घास है, बारिश नहीं आएगी तो ये बचा कुचा घास भी ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही हालत ख़राब हो जाएंगे। आज हमारा जो खेत है उसमें खेती करने वाला जो है बंदा वो आया था, वो ख़ुद से बोल रहा था कि मेरी मम्मी को बोल रहा था कि दीदी मैं उस खेत में चावल के लिए वो फसल उगाते हैं ना भीन बोलते हैं जिसको, कि वैसा कुछ करूं कि मैं चावल का खेती लगा सकूं। तो मेरी मम्मी ने बोले कि फजूल हो जाएगा, बारिश हो नहीं रही है और अगर आप वो लगा दोगे तो शायद उसका जो फसल है उसके बीज भी मर जाएंगे बारिश नहीं होने की वजह से, और हमारे इलाके में इतना पानी भी नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी करें नमाज़ पढ़ते हों तो प्लीज़ अपने नमाज़ों में दुआ करें कि बारिश हो, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होंगे और फसल नहीं होंगे तो हर चीज़ की रेट आगे चले जाएगा, और इंसान को सबसे बेसिक नीड है वो है खाना। ओके पानी तो फिर भी मिल जाता है मगर खाना जो चावल है वो चावल और गेहूँ और दाल, ये तीन चीज़ है बहुत ही बेसिक नीड है। आप दाल चावल ही खा सकते हो अगर सब्जी नहीं हुए या मटन चिकन नहीं हुए, मैं दाल चावल ही खा सकते हो, ये बेसिक नीड है एक मिडिल क्लास और गरीब फैमिली के लिए। बड़े लोगों की बात नहीं करूँगा, उन लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो अल्लाह उनको देता है, ठीक है। तो अल्लाह सबको दे, गरीबों को भी दो और अमीरों को भी दे, किसी को किसी के ऊपर मोहताजगी ना रखे, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि हमारे इलाके में बारिश हो और ये हमारे इलाके का मंज़र देखें, अगर खूबसूरत नहीं लगे तो आप लोग कमेंट करना कि भाई खूबसूरत नहीं लग रहा था, मगर यार मुझे तो बहुत सुकून लगता है कि चिड़ियों की चहचहाट इस टाइम सुपर्ब, मतलब ये हर जगह देखने नहीं मिलता यार। तो आज चलते हैं घर पे, देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग, बारबेक्यू ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे बारबेक्यू हम लोग एक प्लेटफॉर्म लगाए हैं उसके ऊपर कोयले वेले डाल के बना रहे, भाई ऐसा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल जाली है, स्टील की जाली है, वो जाली को दोनों तरफ से फोल्ड किए और जुगाड़ू बारबेक्यू है, तो उसके अंदर गोश्त मसाले में गोश्त मिला के रखा हुआ है और उसके अंदर पका के और सब हम लोग इन्जॉय करते हैं। तो एक स्पेशल ऐसा नहीं कि स्पेशल कुछ बनाया हुआ है बारबेक्यू के लिए या मशीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हम लोग देसी जुगाड़ है ना वैसे ही करते हैं। आज कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो देसी जुगाड़ दिखाऊँ। ओके फ्रेंड्स वीडियो यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, प्लीज़ 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 वीडियो देखने से पहले स्टार्ट करते हो फौरन सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर दो, उसके बाद में वीडियो फिर देखो। ओके और आप बताना ये मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। भाई मैं एक्चुअली सो के लेट उठा, अगर कुछ देर और पहले उठा होता ना तो मैं सोच रहा था और इस तरफ जाने का, ये जो है ना मंज़र बहुत दूर है, कम से कम तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाने की सोच रहा था, क्या करूँ लेट हो गया क्योंकि 2 दिन से हम लोग थके हुए थे, फिर मैं सो गया खाना खा के, और सो गया तो बहुत ज़्यादा सो गया हूँ। और मैं पता है मैं 1 तारीख को बॉम्बे से यहाँ आया हूँ यार, जब से आया हूँ तब से मैं बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, मेरा वेट गेन कर लिया बहुत ज़्यादा, इतना नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स ये हमारे चंदा मामा भी आ गए, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये चंदा मामा है, बादल के जस्ट नीचे चंदा मामा है। ये हमारा घर है और आज हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, आप लोगों को मैं मेहमान दिखाता हूँ। ये देखिए ये मेरे खालू हैं, बड़े वाले खालू, और ये है छोटे खालू, और सबसे बड़े हैं मेरे अब्बा थे, तो ये तीनों साड़ू में सबसे बड़े मेरे अब्बा, फिर ये खालू और फिर ये खालू। तो ये लोग नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं और मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ।
ये देखो ये देखिए, और जो इन्वर्टर जो खराब हुआ था ना, ये वाला है, ये इन्वर्टर है भाई साहब, इसमें तकरीबन 2000 रुपये खर्चा हो गया तब जाके ये बना है। दिमाग ख़राब हो गया यार, परेशान हो गए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इतने सारे इसमें तामझाम है, ये देख सकते हो कि ये देखो अभी भी कुछ ब्लिंक कर रहा है, बट वो चलता है क्योंकि वोल्टेज फ्लैक्चुएशन होता है इसमें, गाँव है ना, वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन थोड़ा होता रहता है। ये देखिए, चलिए अब मैं आपको घर के बाहर का सीन दिखाता हूँ। ये हमारा बारबेक्यू का जुगाड़, ये अभी लाइट में आ चुका है तो ये क्लियर दिखेगा आपको। ये हमारे गांव, मेरे घर की गली है, गांव की गली, कितना शांत है। और ये चंदा मामा, आपसे बता रहा था मैं कि चंदा मामा, ये देखो चंदा मामा क्लियर दिख रहा है आप, ये देखिए लाइट है माशाल्लाह, बहुत दिनों बाद लाइट आई है और बहुत मज़ा आ रहा है। लाइट के बगैर भाई हर चीज़ सूना हो जाता है। और पहले कैसा था, लैंप वैम्प हम लोग लालटेन जलाते थे केरोसिन से, बट वो ज़माना अब रहा नहीं, ऐसा कुछ अब इंसान सोच भी नहीं सकता ऐसी ज़िंदगी जीने का केरोसिन वाली। ये हमारा बारबेक्यू चल रहा है और हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मजा आ रहा है इसलिए कि हमको पका नहीं रहा है, खा रहे हैं कल। ये हम भी एंजॉय कर रहे हैं भाई, और आप लोग भी एंजॉय करो। फ्रेंड्स, हमारा घर पूरा धुआं धुआं हो चुका है, पूरा इस गोश्त के धुएं से ना पूरा घर गोश गोश महक चुका है। ओके, अब हम लोग एंजॉय करते हैं, आप लोग भी एंजॉय करो, वीडियो को एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।